अरे बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था भर भर गया यार कमेंट मैं थक गया कमेंट पढ़ते पढ़ते कि गुरु जी जिस चैनल पे देखो उसी चैनल पे ठोक दे रहे थे कमेंट हाँ कि गुरु जी तीस बहुविकल्पी आ रहे हैं क्या तीस बहुविकल्पी आ रहे हैं क्या आप बताइएगा आपका ये सवाल था कि नहीं वैसे तो आप लोग का कमेंट होता है कि सर आप तो यूपी बोर्ड की सारी अपडेट देते हैं जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि जो न्यूज आपको ना मिली होगी वो भी न्यूज वहां पे अपडेट होती है वो भी मैं ये नहीं कि कुछ भी लाया यार पेपर ने क्या छापा छाप दिए नहीं ऑथेंटिक चीजें वहां पे मैं पब्लिश करता हूँ जो बोर्ड द्वारा नोटिस आता है आप सारी नोटिस जाके जो टीचर्स ताकि टीचर टेलीग्राम पे सारी नोटिस सारी चीजें आपको मिल जाती है लेकिन बच्चे ने कमेंट किया कि गुरु जी आपने इस पे बनाया नहीं वीडियो कमेंट बॉक्स में पीछे जा सकते जा हैं कि गुरुदेव इस बार इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो बेस्ड होगी यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा अगर मैं कहें मैं ये बोलूं कि सर आप कब से ये न्यूज पेपर पर पे भरोसा करने लगे मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आप ये न्यूज पेपर पर कब से भरोसा करना शुरू कर दिए मैं दो तो तथ्य आपके सामने रखूंगा आपको चॉइस करना है हमारे जो प्रेजेंट डे में इस समय क्या चल रहा है कि देखिए एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ही रहा है तो देन मैं भी करता हूँ ठीक है ना हमारे कई सारे एग्जाम होते हैं हाँ इंजीनियर लेवल के तो देन यार वहाँ पे एक न्यूज आती है कि अब आ रही है चालीस हजार वैकेंसी ऑफिशियल में देखा जाए तो दो सौ दो सौ सीटें भी खाली नहीं है फिर कल की अपडेट <laughs> कल की अपडेट सरकार का बड़ा फैसला अच्छा छह महीने में होने वाली लाखों भर्तियां दो साल बीत गए सर आज तक भर्तियां हुई नहीं तो आप इसमें कब से भरोसा करने लगे कि इन लोगों को पूरी जानकारी है पूरी जानकारी नहीं है आज से दो दिन पहले की बात है आज दस तारीख है नौ तारीख की बात है एक सर थे प्रिंसिपल सर थे प्रिंसिपल सर थे कॉलेज थे बहुत बड़ा कॉलेज है नाम नहीं लेंगे यार मजा बेकार हो जाएगा वो आए थे बैठे थे हमने कहा कि सर ये बताइए ये जो इस समय न्यूज व्यूज खबर वर चल रही है क्या है आप तो खुद बोर्ड में है ये सब यार कुछ भी बोल दे रहे हैं बट ऐसा सीएम कुछ है वो नहीं कुछ है वो नहीं और ये तो हद हाँ छोड़ो मैं कई चैनल पे देखा भाई बड़े चैनल थे नाम नहीं लेंगे विवाद हो जाएगा सर किसी का नाम ले भाई बना रहे सबका अपना अपना मत दे रहे हैं उन्होंने सर वहां पे दिखाया कि इस दिन मतलब कि मॉडल पेपर हो चुका है अपलोड मॉडल पेपर हो चुका है अपलोड वो पेपर की कटिंग थी भाई साहब आप देखे होंगे वीडियो वहां पे दिया था वो बोले ये देखिए यहाँ पे दिया गया कि मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का क्या हो गया अपलोड हो गया है और वो बोले कि दो तीन दिन में अपडेट आ जाएगा आज कितनी तारीख सर वो वीडियो सात तारीख को बनी हुई थे इधर नहीं यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगी इस पर सात तारीख की वीडियो बनी हुई है सर और फिर मैंने देखा हमने कहा ठीक है यार और वेट कर लेते हैं और वेट कर लेते हैं छ सात आठ दिन देख लेते हैं अभी तक कोई मॉडल पेपर अपलोड हुआ ही नहीं <laughs> मतलब यार मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कुछ भी है आए दे दिए बोल दिए बोल कर चले गए हम आप जैसे बड़े बड़े टीचरों को भैया जो सम्मानजनक हैं मैं बहुत मानता हूँ आप लोगों को सर आप बच्चों को डिस्ट्रैक्ट मत करिए उनको बोलिए कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो पढ़ रहे हो तो पढ़ो क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर यूपी बोर्ड में आपसे सवाल पूछ रहा हूं जितने भी स्टूडेंट हैं आप आप खुद से एक सवाल पूछो कि अगर आज ही यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड अगर आज ही कोई बदलाव कर देता है आपके पेपर पैटर्न में तो क्या उसके लिए आप इलिजिबल होंगे क्या उस चीज के लिए परफेक्ट होंगे अगर यूपी बोर्ड अगर आपको तीस बहुविकल्प इंटरमीडिएट में देता है तो मैं आपसे सवाल कहता हूं क्या आपके अंदर वो इबिलिटी है कि तीस बहुविकल्पी हर एक सब्जेक्ट तैयार करके जाएंगे बोर्ड देने के लिए आप तो ये सोच रहे अरे सर नकल होता है भज्जिया बिगड़ चुकी हुई नकल की अगर आपको लग रहा है दिमाग में अगर भ्रम है कि हमारे पड़ोसी के सर जी स्कूल में नकल हो जाता है जाओ भैया अब सेंटर ही नहीं पाए हैं आठ सौ सॉरी आठ हजार दो सौ तिहत्तर साल समथिंग सेंटर थे उसमें से पता है सात हजार चार सौ कुछ सेंटर बनाए गए हैं बाकी सबको हटा दिया गया और ऐसे सेंटर पर तो कार्रवाई की गई है जो कि केवल मान्यता लिए थे बच्चे है ही नहीं मान्यता लेकर बैठे बच्चे है ही नहीं उनको नोटिस भेज दिए भैया अब न सचिव साहब लेकिन भाई तुम पोलो निकल लो इधर से जरूरत ही नहीं है तुम सेंटर लेकर बैठे हो मतलब कि मान्यता लेकर बैठे हो और बच्चे तो है ही नहीं एक काम को तुम लोग लाइन पे लगो और लाइन हाजिर कर दिए उनको और नोटिस भेज दिए पढ़ा करो यार सर लोग पढ़ा करो हर चीजें बहुत अच्छे से देखा करो ठीक है ना हम कह रहे हैं ठीक है यार हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर आप दे रहे कोई इशू नहीं यार बच्चे पढ़ेंगे हम तो इसी बहाने कम कम पढ़ तो रहे हैं किसी चीज को इंपॉर्टेंट टॉपिक चीजों को पेपर को और जो सर पढ़ा रहे हैं लेकिन सर इसमें क्या रहता है ना बच्चे भ्रम में हो जाते हैं उनके मन में जो रिदम होती है क्योंकि दो महीने बाद एग्जाम है बच्चे का आज हो गई सर ग्यारह नवंबर हो गया और दो महीने एग्जाम है दो महीने बाद आप उनसे पूछे सर बैठ के हमारी ऑफलाइन सर कोचिंग चलती है हालांकि मैं वहाँ पे दो साल पढ़ाया हुआ हूँ इंजीनियरिंग के दौरान देन फिर मैं छोड़ के ऑनलाइन पे आया था फिर हम लोग पढ़ाई और मैं यही करता हूँ एकदम शिद्दत के साथ मैं यही करता हूँ सारी चीजें जब आप उनके साथ बैठिए ना सर वो मायूस है हर बच्चा अंदर से मायूस है अब धीरे धीरे वो जैसे जैसे समय बीत रहा है ना उसको नींद वो जाएगा घूमने के लिए नो डाउट वो जाएगा बाहर दिमाग में चलता रहेगा दो महीने बाद सर बोर्ड एग्जाम है मन नहीं लगा सर कॉलेज गए थे सर चले आया छोड़ छाड़ के मन नहीं लगा दो दो महीने बाद बोर्ड एग्जाम है उसको मोटिवेट करो यार उनकी हेल्प करो जब रिजल्ट आता है तो पता नहीं कितने बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं जीवन त्याग देते हैं मतलब मेरी बातें यार थोड़ी आपको बुरी लग रही होगी लेकिन ये रियलिटी है आप उनके साथ रहो तो सही सर हम रहते हैं हम जुड़ते हैं हम लोगों को देखते हैं दुनिया भाई साहब बहुत बड़ी है जितना आप सोच रहे हो उतने में नहीं है सीमित नहीं है सारी चीजें ठीक है ना हम ये देखें ये कर दिए बच्चों के साथ खेलना बहुत बड़ी गलत बात है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने बच्चे हैं मत ध्यान दो यार मत ध्यान दो कि बीस ऑब्जेक्टिव आ रहा है तीस ऑब्जेक्टिव हो रहा है हमारा पेपर पैटर्न खत्म हो रहा है आप पढ़ाई पे फोकस करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं आप क्वेश्चन बैंक लिए हैं क्वेश्चन बैंक क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं आप उठा लो क्वेश्चन बैंक मैं भाई साहब इस बात का इस बात का मैं दावा करता हूं शर्त लगा लो मुझसे जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको ना वो चीज आपको उस क्वेश्चन बैंक में मिलेगी जो आप सौ रुपए का खरीद के ला रहे हो और जो मैं आपको फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ वो चीज वहां पे मिलेगी मैं कोशिश करता हूँ यार कि हम वही टॉपिक यहाँ पर लेके आए जो कि संभावित हो आप तो वही लेने आए हो ना मेरे से आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना सर कि गुरु जी वही देंगे आप जो सर मुझे चाहिए लेकिन सर एक बात बता दीजिए क्या तीस ऑब्जेक्टिव आएगा तीस ऑब्जेक्टिव आएगा मैं आपको जब इतनी सारी चीजें बताया तो आपको क्या लगता है कि मैं जब आपको इतनी सारी चीजें बताया मैन का न्यूज में लिखा हुआ है देख लो आज पांच दिन हो गया मॉडल पेपर आपके पास आया क्या आया क्या नहीं आया ना नहीं आया ना, नहीं आया ना। जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको सारी अपडेट मिलती रहती है शिद्दत के साथ पढ़ो यार बच्चे तुम लोग जिसके दिमाग में है सर तीस ऑब्जेक्टिव आ रहा है बीस ऑब्जेक्टिव आ रहा है फलाना हो गया हो गया प्रसें, प्रसें आएंगे भाई छोड़ दो ये सब सोचना कुछ वाला नहीं है केवल एक चीज से भविष्य बन सकती है जो आप क्वेश्चन बैंक लिए हो जिस चीज को फॉलो करते हो जिस चीज को लेकर पैसनेट हो उसको करो ये सब छोड़ दो ये सब भाई इस पर भरोसा आप कब से भरोसा करना शुरू कर दिए यार इन लोगों पे भाई आप ये भी तो न्यूज देख रहे हो कहा कि सद देवरिया के पता नहीं किसने यार छाप दिया इस चीज को हा? क्या छाप दे रहे भाई साहब है फिर आप ये बोल रहे हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र छात्रों के बीच बड़ा बढ़ा रहे कंफ्यूजन हाँ मैं आपको एक चीज बता दू सर मैं आपको एक चीज बता दू ठीक है इन्होंने किसी बात किया होगा क्योंकि ये एक क्या होता है कि हम बोर्ड में सीधा बात करते हैं जब कोई चीज नोटिस जारी होती है तो वो होता है कि हम जाके देंगे नोटिस को ये न्यूज कैसे बनाया जाता है मैं आपको एक चीज बता दू जैसे मान लीजिए मैं कॉलेज चला रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ सर कॉलेज चला रहा हूँ मेरे बगल कोई पत्रकार साहब है सर माफी चाहते हैं सर लेकिन मैं यही रियलिटी है मैं बता रहा उनसे बातचीत हो रही है तो हम कह दिए कि हाँ इस समय ये हो सकता है वो तो भाई साहब क्या बोले बस समझ आ रहा है ना लगा दी साहब हो सकता है भाई उनकी उनकी बात उनके सपने में आए होंगे बता दिए बेटे यार ऐसा हमें नहीं लगता यार आप आप खुद सब दिमाग कितना लगा सकते हो कि वो बोर्ड के पहले कैसे करेगा वो बोर्ड के दो महीने पहले चेंजेस कैसे करेगा क्या आप उसके लिए एलिजिबल है भाई बोर्ड समझता है बोर्ड हमारा समझता है बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से इसीलिए नई शिक्षा नीति एनईपीआई हुई है बहुत सारी चीजें आ रही हैं ये सब होंगी 2026 से होंगी सर 2025 से नहीं होंगी 2026 से होना शुरू हो जाएगा एक होता है 25 26 एक 2024 25 चौबीस पच्चीस में जो चल रहा है सीजन दो हजार चौबीस और पच्चीस है दो हजार चौबीस से शुरू हुआ है दो हजार पच्चीस में हमारा खत्म होगा एक सेशन होता है दो हजार पच्चीस और छब्बीस तो ये सब वहां पे लागू होगा वो सब आपको वहां पे दिखाई देगा एक चीज मैं आपको बता दू खुले तौर पर यूपी बोर्ड जो है आप राजीव प्रकाशन सर को जानते होंगे इनकी किताबें आती हैं इनकी किताबें आती हैं राजीव प्रकाशन साहब की ये पता है सर कौन है यूपी बोर्ड से भाई साहब टाइप है या फिर कह सकते जुड़े हुए हैं जो भी हो हम कहते हैं एक दिन मतलब कि स्टेनरी पे यार भाई कॉपीराइट राइट बेलाटी भाई जो रियलिटी बता रहे मजे ले रहे तो वो बोला कि सर राजीव प्रकाशन को ना यूपी बोर्ड गोद ले लिया है हमने कहा सर कैसे हिंदी का देख लो हिंदी की जो किताबें हैं राजीव प्रकाशन की चलती है ऑफिशियल है सबसे पहले कोई अगर, अगर अपडेट आएगा तो उसके पास आएगा ना यार क्योंकि वो ऑफिशियल बुक है आप यूपीएमएसपी पे जाएंगे जो किताबें होती है आपको राजीव प्रकाशन की सर मिलेगी यूपी बोर्ड के द्वारा क्योंकि यूपी बोर्ड जो भी हिंदी पढ़ाता है सर उसी किताब से पढ़ाता है ठीक है बाकी और किताबें हैं बट जो है वही किताब चलती है उसमें ठीक है हिंदी के लिए स्पेशल बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि वो प्रीफर ही करता है पहले इंग्लिश भी थी इनकी ही लेकिन अब वो बदल के एनसीईआरटी लागू कर दिया तो कोई बदलाव होगा तो सबसे पहले सर किताबों में होगा किताबें छपेंगी आप लोगों के लिए तुरंत कोई चीज नीति नहीं आती हम सर रातों रात ये बदलाव कर दिए सर नोट नहीं है पांच का रात में आठ बजे बोले कि पांच सौ हजार का नोट हम बंद करके दो हजार का नोट ला रहे हैं फिर दो साल बाद दो हजार का नोट ऑटोमेटिक बंद कर दिए ये तो सब कुछ भी चलता रहता है आप इन भारत में तो उसके चक्कर में ना पड़ो मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो पढ़ने मन लगाओ टाइम बहुत कम है सर आपके पास टाइम नहीं है ये सब न्यूज जो आपको दिखाई दे रही ना छोड़ दो भाई छोड़ दो छोड़ दो आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ भविष्य बनाना है तो पढ़ लो आज हो गया सर ग्यारह नवंबर ग्यारह की दस भैया ग्यारह नवंबर हो गया आप जरा अपने आप से पूछिए कि जब हमारा दीपावली दो नवंबर के खत्म हुआ दो नवंबर से लेकर ग्यारह नंबर तक तो कितना हमने पढ़ाई किया आप वेट कर रहे हो सर टाइम टेबल का टाइम टेबल तो आ जाएगा, टेबल दिसंबर के वीक आ जाएगा आपका टाइम टेबल क्योंकि केंद्र की जो सूची है ना सर जी उसकी लास्ट डेट उन्होंने बारह दिसंबर दे रखा है उसके सेकेंड वीक में तुरंत आ जाएगा आपका सेंट्रल लिस्ट की मैं अपडेट कर दिया हूँ टेलीग्राम पे जाकर देख लीजिए और फिर उसके जस्ट एक महीने बाद आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा आपको क्या लगता है प्री बोर्ड परीक्षा नहीं देंगे प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं देंगे बहुत बच्चे तो इसमें प्रैक्टिकल फाइल लिख रहे हैं मैं देख रहा हूँ उनका टाइम उसी में जा रहा है लॉस बच्चे कमेंट आता है सर प्रैक्टिकल फाइल ये चल रहा है वो चल रहा है तो अपने आप से पूछो क्या हम आने वाले नब्बे दिनों में सर उतने टारगेट उतने इलिजिबल हैं कि हम तो चला देंगे सर अगर आप आज से ही अपने अंदर ओ पढ़ ला लीजिए कि हाँ सर हम ये जो तीस टॉपिक चालीस टॉपिक हिंदी बताए हैं ये जो चालीस टॉपिक फिजिक्स के बताए हैं पचास टॉपिक केमिस्ट्री के पचास टॉपिक बताए हैं इंग्लिश के जो चालीस टॉपिक बताए हैं हिंदी के जो चालीस टॉपिक बताए हैं अदर जो सब्जेक्ट बताए हैं हम अगर आज से ही पढ़े तब भी हमारे पास दो महीने हैं कवर करने के लिए डेली आप एक टॉपिक तैयार करो बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे टॉपिक मान लीजिए नहीं समझ आ रहा है मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ नहीं समझ आ रहा है तो आप सर्च करिए ना यार बहुत लोग हैं बाकी मैं इस बात का सर दावा करूंगा यूट्यूब पे चैलेंज है सर हम पंचानवे फीसदी आपको पेपर अपने और इंपॉर्टेंट टॉपिक से की सर गारंटी देते हैं तो गुरुदेव कैसा कह रहे हैं कैसे सर पंचानवेदी वारंटी नहीं लेंगे पांच फीसदी का नहीं लेंगे क्योंकि तो वो तो एग्जाम चाचा है ना उनसे बात करके तब बताएंगे अरे गुरुदेव ऐसा बात है क्या अरे बवाल हो जाए गुरुदेव एक बार बताओ यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप करते क्या है आप पढ़ने के लिए बैंक लेते हैं उसमें क्या रहता है लास्ट ईयर का पेपर सोल्यूशन रहता है आप हमारे को मिला लिया ना। मिला मैं आर्टिकल पढ़ाया हूँ और डोमेस्टिक सॉरी डेमोक्रेसी पर मैं बताया हूँ पॉपुलेशन पर बताया हूँ पोल्यूशन पर बताया हूँ तो पिछले साल आप आए हुए हैं दो हजार तेईस चौबीस के बोर्ड परीक्षा में तो जाके आप मिला लीजिए ना सर वहां से मिला लीजिए तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर अब पढ़ाई फोकस करो सर वीडियो बहुत लंबी हो गई तेरह चौदह मिनट की हो गई बट आप लोग सर पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के इन सब बातों पर बिल्कुल फोकस मत करिए गौर कीजिए कि मार बेस्ट होगी ये बेस्ट होगी वो बेस्ट होगी नहीं ऐसा कुछ भी सर होने वाला नहीं है और जो होगा वो आपके सामने आएगा ही अब कुछ हो जाएगा नहीं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई सब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि छोड़ छाड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई पर फोकस करो जो आएगा सर हम आगे देखेंगे ना आप क्यों कंफ्यूजन में पड़े हो कि बीस ऑब्जेक्टिव आप बैठे रहेंगे आप इसके चक्कर में सर लोग तो बता दिए आप बैठे रहेंगे इसके चक्कर में क्यों तीस ऑब्जेक्टिव आएगा हमारे यहाँ पड़ोसी आएगा नकल करवा देंगे बोल देंगे नकल हो जाएगा ऐसे पास हमें पा जाएंगे छोड़ दो भाई साहब ए कैमरे लगे हुए ए आई कैमरे जो प्रिंसिपल साहब बोलते थे कि कैमरा अचानक बंद हो गया ना उनको तुरंत वहीं पे सीज कर देंगे पूरा पूरा हाँ टेंशन ना लो अब भाई साहब टेक्नोलॉजी आगे है इस बार तो नकल की बिल्कुल भी उम्मीद ना करो नकल की बिल्कुल उम्मीद ना करो प्रशासन बहुत टाइ, टाइट है अब तो जब वो परीक्षाएं होती है ना तो वहाँ पे यूपी पुलिस खुद एग्जाम करवाती है तो आपको क्या लगता है कोई चीज लीक होगा कोई चीज आपको मिल जाएगा आप जाके नकल कर लोगे छोड़ दो तो भाई पढ़ना शुरू कर दो नहीं पढ़ रहे हो पढ़ लो अगर बोर्ड में पास होना है तो आपको नहीं पास होना है भाई साहब कुछ मत करो फिर आराम से एंजॉय करो वेट करो आने तो भैया आने तो मॉडल पेपर तब हम पढ़ेंगे सर तो बता के गए सर लोग कि आएगा ये कर लो वो कर लो तो चला दो तीस परसेंट पेपर में आ रहा है कुछ होने वाला नहीं सर कुछ होने वाला नहीं है भविष्य आपका सर अंधकार में जा रहा है आप अंदर अपने अंदर लाओ वो चीज कि हाँ हमें करना है तो करना है मैं सीधा बोल रहा हूं कि अब ये मत आज से पूछो किसी से कि सर ऑब्जेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा आप खुद से सवाल करो कि मैं क्या पढ़ाई किया हूं या नहीं किया हूं अगर ऑब्जेक्टिव आएगा भी तो अगर आप पढ़े रहेंगे वो जो अति लघु लघुत्तरी उसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएगा जैसे दे देगा विद्युत धारा का मात्र होता है आपको विद्युत धारा तो याद ही नहीं है यार वैद्युत आवेश याद ही नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं आपने तो पढ़ाई नहीं है लघुतरी लघुत्तरी जो पढ़ा जा रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो इसको करने के लिए भी आपको पढ़ना तो जरूरी है ना मान लो हम कह रहे हैं मान लो हम कह रहे मेरी बात गलत सर वो आ गया तो इसके लिए भी तो आपको पढ़ना जरूरी है ना आप बायोलॉजी बालोजिया पढ़े रहेंगे तभी तो देंगे हम कह रहे चलो आ गया मातृभूमि के लेखक कौन है कम्युनिटी टैब पर मैं क्वेश्चन को देता हूँ भाई साहब मतलब कि उसमें देखते तीस चालीस परसेंट बच्चे गलत ठोक दिए हैं सर पता ही नहीं है कुछ और पक दे रहे हैं तो आपको क्या लगता है अगर वो तीस परसेंट दे भी दिया तो पास हो जाओगे ना बेबा ना इसके लिए सर मेहनत करना पड़ेगा शिद्दत से सर पढ़ना पड़ेगा तो आज से आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के ये सब केवाला छोड़ दो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है आने वाले दिनों में आप खुद देखोगे क्या हो रहा है तो इसलिए मेहनत करो जो किताब है आपने जो क्वेश्चन में खरीदा है जो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ तगड़े वाले सर मिला लीजिए आप कंटेंट को दम होता है सर हम जो दे रहे हैं आप ठीक है ना एक बात कदा और करते हैं सर पंचानवे फीसदी प्रश्न सर हम अपने टॉपिक से और पेपर से फंसा देंगे पिछले पांच सालों का एक्सपीरियंस सर हम आपको देंगे अपना सर हम भी पढ़ते हैं सर आपको पढ़ा भी रहे हैं ऐसा नहीं सर कि हम बस ऐसे बैठे हैं आप अरे कुछ भी सर आए हमारे ये धंधा नहीं है आपको लग रहा है सर ये केवल मेरा धंधा है मैं धंधा कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ सर मैं अपनी खुद की सर पढ़ाई करता हूँ अब आपको कैसे सर समझाया जाए <laughs> इसलिए कहते हैं करेजा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो सीधा समाप्त हो जाएंगे वहीं पर फिर जाके जॉब करेंगे आठ हजार की दिहाड़ी में मजदूरी करेंगे रेडी हो जाओ करने के लिए कुछ लड़कियां हैं नहीं पढ़ोगे तो आपका यूपीएससी और पीसीएस में रैंक नहीं आएगा नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा पढ़ोगे तो भाई साहब आप डीएम एस बन सकती हैं और नहीं पढ़ेंगे हो गया शादी भी हो जाओ जाओ बढ़िया वही करो यार जो सब कर रहे हैं बहज प्रथा वाला हा? घर का काम करो पढ़ लिख लो भाई भविष्य बन जाएगा आजकल तो योगी जी अपने यूपी आ, के लड़कियों को कहते फिक्स नौकरी भी दे रहे हैं लो ना यार आने वाले भविष्य में मिलेगा आपको फायदे कोई भी सरकार आएगी अपने भाई साहब वोट बैंक के लिए देगी ना तभी तो उसको मिलेगा जीत तो देन आपको मेहनत करना है सर पढ़िए इस पे ध्यान मत दीजिए हमारे लेक्चर अठारह मिनट का चला है ज्ञान वर्धक लेकिन सर इसमें मैं सिर्फ एक ही बात पे फोकस पढ़ाये पे, पढ़ाये पे, पढ़ाये पे। पढ़ाये तो क्यों पढ़ाई पे पढ़ाई पे पढ़ाई पे पढ़ाई रहेगा तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पढ़ाई नहीं रहेगा तो चाहे वो जितना बदलाव कर दे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो इस पे फोकस ना करके सर पढ़ाई पे चिंता करो कमेंट बॉक्स में ये सर मेंशन मत करिए गुरु जी ऑब्जेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा पहले अपने अपने अंदर खुद से सवाल पूछो अगर क्या अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो किताबें हमारी तीस ऑब्जेक्टिव छाप पाएंगी नहीं छाप पाएंगे ना तो जो आपके पास रिसोर्स है उसी तो पढ़ेंगे एक महीने में छाप देगा भाई साहब कुछ भी नहीं होता ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर किया है कि बच्चों का सिलेबस जारी कर दो उसके बाद कोई बदलाव होना नहीं चाहिए अभी भैया चंद्रचूर साहब गए हैं बोल के जो हमारे थे माननीय जी जज साहब हों उन्होंने भाई साहब ये चीज बदलाव जो हो रहा था ना बीच में बदल देते थे सुप्रीम तो कोर्ट मना कर दी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो बर्बाद कर डालेंगे आपको भविष्य के बच्चों के साथ फिर भव... खिलवाड़ मत करो कि सिलेबस तुम जारी कर दिए हो कि हम इतने सब प्रश्न देंगे और बाद में तुम कहो कि हम इतने प्रश्न देंगे सर पढ़ा करो जितने सर हैं बताने वाले बच्चों को आप लोग थोड़ा उससे भी जुड़ा करिए सर हम जॉब की तैयारी करते हैं ना सर पढ़ते हैं खुद की किसी में होता है किसी में थोड़ा नंबर छटता है कोई ना हो गया यार एक दिन क्या मतलब है पढ़ोगे तो बढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं सर पढ़ा चाहिए तो सर मेहनत करना पड़ेगा ठीक है ना तो इसीलिए सर मेरी बात मानिए आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए ये सब छोड़ दीजिए क्या हो रहा है दुनियादारी में सर हमसे लेना देना नहीं है हमारा सर एक ही जगह पे फोकस रहना चाहिए स्टडी 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 कर मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई करो सर इस पर कोई मतलब नहीं है ये सब कोई मतलब नहीं है ना कोई बदलाव हो रहा है ना कुछ हो रहा है तो ये सब चिंता छोड़ दीजिए ठीक है ना पढ़ लो भैया दो महीने तीन महीने हैं जो करना है इसी में कर लो नहीं तो फिर उसके बाद कुछ मौका नहीं मिलेगा और जीवन में केवल एक बार ही एक बार ही आपको सर एग्जाम देना है उसके बाद लाइफ में कभी नहीं देना है फेल हो जाइए हर बार मौके मिलेंगे लेकिन फेल हो जाओगे तो वही पड़ोसी जो आज आपको कहते हैं ना चलो तो कहीं बहुत से किला उठा के जा रहे थे पढ़ने के लिए और ले लो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे थे रिल्स बना रहे थे ये कर रहे थे वो कर रहे थे ये ताने देते हैं सर लेक्चर बहुत बड़ा हो गया कोई बात नहीं लेकिन सर मेरी बात मानेगा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट सब पढ़ाई करिए सब छोड़ उड़ दीजिए ये सब छोड़ उड़ दीजिए ठीक है ना इसके चक्कर में ना पढ़ो क्योंकि अब ना कुछ हो पाएगा ना कुछ होने वाला है तो देन किताब को शुरू करो किताब को पढ़ना शुरू करो कोई बदलाव आता है पहले आप देखो कि कोई लिस्ट आ रही नहीं बोर्ड की तरफ से बोर्ड में अगर कोई बदलाव करना आ रहा है वो पहले ही निकाल देता है जैसे कि एनईपी के अनुसार 2020 के अनुसार वो बदलाव करने वाला 2026 के बोर्ड परीक्षा में वो निकाल दिया है वो पहले ही बता दिया कि हम बदलाव करेंगे एक साल पहले ही वो निकाल दिया है कि हम बदलाव करेंगे अब ऐसा ऐसा होने वाला है तो कोई बदलाव होना रहता है तो पहले ही आ जाता है सिलेबस के बाद बदलाव नहीं होता है देन रिलैक्स माइंड ये होगा दो में आप लोग पढ़ाई फोकस करो जो है आपके पास सोर्स पढ़ने का उससे पढ़ते रहो कोई दिमाग में भ्रम नहीं आना चाहिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरी कोई ही बात बुरी लगी भाई किसी को भी हाँ जोड़ के सर प्रार्थना है मेरा कि माफ करिएगा मुझे ठीक है ना भाई साहब अपनी कमियों को स्वीकार करो यार हम थोड़ी ना वो हैं कि अपनी कमी को सर जी हम नहीं मानेंगे तो बहुत बड़े चोप बन जाएंगे सर इसी, इसी मिट्टी में जन्म लिए इसी मिट्टी में खत्म हो जाएंगे आपके अंदर द्वेष भावना नहीं होना चाहिए कि हमारा साथी वो यार वो इतना पढ़ रहा है ये कर लेगा नहीं तो भाई जो तो मेहनत कर रहा है वही तो जाएगा यार आगे आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप कहाँ से जाएंगे आगे तो इसीलिए द्वेष भावना नहीं होना चाहिए यार आपके अंदर मेहनत करो जम के और बोर्ड में अं� यार दिखा दो अपना झंडा गाड़ के कि हाँ तोड़ेंगे गुरदेव तोड़ेंगे कुछ भी हो जाएगा तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है नहीं पड़ोगे ना कसम खा लो मेरी मेरी खा लो छोड़ो उनकी कसम गुर्दे दिक्कत हो जाएगी उनकी खा लेंगे तो नाम नहीं बताएंगे उनका तो उनकी छोड़ो यार मेरी कसम खा लो सर पढ़ाई करोगे करोगे ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ करोगे ना हम बिल्कुल करेंगे एक लाइक ठोक दो प्यारा सा और एक प्यारा सा अपना कमेंट जो आपके अंदर ओपिनियन है जो आपके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन है जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है ना कि गुरुजी अब हमारा कैसे पढ़ाई हो रहा है क्या हो रहा है जो आपको सर बोलना है जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है निकालो कमेंट में हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा आई प्रॉमिस यू हर एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा रिप्लाई करूंगा मैं पर्सनल बैठ के मैं कमेंट पढ़ूंगा रिप्लाई करूंगा हर एक बच्चे का जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है इस वीडियो में निकालो यार मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा और जो बच्चे नए हैं रिक्वेस्ट है यार बेगर से सर भिखारी है एक सब्सक्राइब कर दो यार एक कर दो बस शेयर कर दो करने का मन हो उनके साथ लेकिन हम बोलेंगे नहीं क्योंकि अब दूर हो जाओ यार पढ़ना है मन लगा के सर बोर्ड के बाद जब जो मुलाकात होगी सर बोर्ड के बाद होगी अभी कुछ होने वाला नहीं है नहीं बिल्कुल सर एक लाइक एक सब्सक्राइब एक प्यारा सा कमेंट जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है ना गुरुदेव अब तो हमारा भविष्य खतरे में है वो फ्रस्ट्रेशन निकालो कमेंट बॉक्स में मैं आपका रिप्लाई करूंगा आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट वीडियो में ओके दोस्तों थैंक यू जैन टेक केयर बाय बाय और हाँ एक चीज और बोर्ड की जो आप न्यूज इस पे पाते मैं वही ऑफिशियल न्यूज पहले ही टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है जो जो न्यूज बोर्ड में अभी परिवर्तन हुए हैं ना लगातार नोटिस आई है आपको नहीं दिए होंगे नहीं दिए हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जाके ज्वाइन करेंगे सर वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती है हर एक चीज मिल जाएगा मिलते हैं है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों थैंक यू जैन टेक केयर बाय बाय और जो आपको टॉपिक पढ़ना है मैं सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल डाल दिया हूँ जाके पढ़िएगा